लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम, चाहे छोटी पार्टी की बात करें, बड़े पार्टियों की बात करें, तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं तक अपने प्रचार में लगे हैं। बात करें अगर जनपद गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ महेश शर्मा और डॉक्टर महेंद्र नागर में काफ़ी कांटे की टक्कर है। डॉक्टर महेश शर्मा को फिर से बीजेपी ने तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अलायंस से डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही जो कैंडिडेट है गाँव में जा रहे हैं और अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। मगर आपको बता दें, कोई भी पार्टी अगर मजबूत बनता है तो अपने कार्यकर्ताओं की वजह से बनता है। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, चाहे धूप निकले या बारिश हो, अपने पार्टी की धाराएं, अपने विचारधाराएं, पार्टी क्या काम करेगी उस चीज़ को बताते हैं। ऐसे में हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं पिछले काफ़ी समय से, यानी कि 10 से 15 दिनों से लगातार ये पूरे जनपद में हर गाँव में जा रहे हैं। पार्टी की क्या प्रमुखताएँ हैं, अखिलेश यादव की क्या नीतियाँ हैं, जो इंडिया का गठबंधन है उसकी क्या नीतियां हैं, वो सबको घर घर जाके बता रहे हैं। और इनका एक मजबूत दावा है कि हमारे जो इस बार जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर महेंद्र नागर, उनकी विजय होगी। बात करेंगे क्योंकि देखिए चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, दूसरे चरण में जनपद का चुनाव है, किस तरीके से आपके जो प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर उसका प्रचार कर रहे हैं, कितना आपको सहयोग मिल रहा है जनता का? हम लोग जो पंपलेट के माध्यम से अपने नेता के विचारों के, राहुल गांधी जो गठबंधन इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनकी बात बता रहे हैं, लोग सुनते भी हैं, टीवी पे देखते हैं, अखबार के माध्यम से देखते हैं, लेकिन हमें जाते जाते हमसे पहले लोग नारे लगाने लगते हैं, अखिलेश जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महेंद्र नागर जिंदाबाद। हमारा काम तो जनता ही बहुत आसान कर रही है और इसी से हम भी उत्साहित हैं। तो जहाँ 5 विधानसभा हम देखें, कई विधानसभाओं और भी गए हैं, लेकिन अब नोएडा विधानसभा हम देख रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुमत से जीत महेंद्र सिंह नागर दर्ज करा रहे हैं और अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी और जो गठबंधन के और तमाम नेता हैं उन लोगों का संदेश जनता के बीच चला गया है और जनता बहुत मजबूती से हमारे प्रत्याशी को वोट देगी और जिताकर भेजेगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2 बार से सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा भाजपा से, इस बार महेंद्र नागर पर भरोसा जताया समाजवादी पार्टी ने, क्या ये लग रहा है कि अखिलेश यादव को और तमाम बड़े नेताओं को नोएडा आना चाहिए पार्टी प्रचार के लिए और महेंद्र नागर के लिए भी? देखिए जहाँ तक बड़े नेताओं की बात है, उनका भी कार्यक्रम लगेगा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में, महेंद्र नागर के लिए अखिलेश यादव जी भी आएंगे और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक जो पार्टी ने नियुक्त किए हैं, वो सभी लोग महेंद्र नागर जी के, डॉक्टर साहब के सहयोग के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे और तमाम पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं प्रचार में। और हमें बहुत ज़्यादा समर्थन जनता का मिल रहा है, इतना विश्वास मिल रहा है कि लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, सभी लोग आज त्रस्त हैं जब से 2014 से गवर्नमेंट बनी है। अब जनता समझ चुकी है कि ये सब जुमलेबाजी है, लेकिन इस बार जनता बिल्कुल तैयार बैठी है कि डॉक्टर महेंद्र नागर एक ज़मीनी वर्कर हैं पार्टी के और ऐसे सज्जन ईमानदार व्यक्ति को जनता भी चाह रही है कि इस बार क्षेत्र में बदलाव होने का काम किया जाए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर बात करें जनपद की, नोएडा की, तो यहाँ बसपा का राज रहा है, बीजेपी का राज रहा है, समाजवादी पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं बहुत पीछे थी। अब कैसे ये माने कि लोकसभा चुनाव में आप अपना एक पहचान छोड़ेंगे और आपका जो कैंडिडेट है वो जीतेगा? समाजवादी गवर्नमेंट में जितने भी विकास इस नोएडा में जो है अखिलेश यादव जी ने किए हैं, पिछले जो है 2012 से 2017 तक मेट्रो हो, एलिवेटेड रोड हो, किसानों का भी जो है उन्होंने जो है बहुत जो है जो 5% के किसानों के जो प्लॉट मायावती गवर्नमेंट पे नहीं मिले थे, कारण उसमें जो है इंक्रोचमेंट लगा रखी थी, इसकी वजह से जो है समाजवादी गवर्नमेंट में जो है सबसे ज़्यादा जो है किसानों काम हुआ है। और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों का पूरा ध्यान रखा गया, व्यापारियों को जो है आप बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो है व्यापारी और किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उसी का जो है हम अपने विकास जो हमारे समाजवादी गवर्नमेंट विकास हुए हैं उन्हीं के उसको लेकर हम जो है जिसमें जनता में जा रहे हैं और उसी को ये हम जो है हमारा जो है जनता जो है उसके लिए सपोर्ट करेगी। देखिए एक गंभीर सवाल है ये कि एक तरफ राहुल गांधी का बयान आया और अखिलेश यादव की बयान आता है कि हम जिसके साथ जाते हैं वो अपना फ़ायदा उठाता है और हमें छोड़ के चले जाता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते से बीच कोई नेता दूसरे पार्टी में चला जाता है, इस वक्त जो कार्यकर्ताओं पे कितना प्रभाव पड़ता है मानसिक रूप से, कार्यकर्ता फिर क्या सोचता है? देखिए तो बड़े नेताओं की, दो बड़े नेताओं की अपनी विचारधारा है, कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, मान्य अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर काम करता है और उसी पे जो है जो आदेश पार्टी के मुखिया का हुआ है उसी पे पार्टी कार्यकर्ता खुश होकर काम करता है। किस तरीके से आप अपना दिनचर्या शुरू करते हैं? दिनचर्या सुबह जो है कार्यक्रम हमारे एक दिन पहले तय हो जाते हैं और क्षेत्र में डोर टू डोर जाके
माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो गठबंधन के जो हमारे सहयोगी नेता हैं उनकी विचारधारा को हम बताने का काम करते हैं। और समाजवादी सरकार में विकास हुई है, किसी से छिपा नहीं है, चाहे एलिवेटेड रोड हो, कन्या जो का नाम वृद्धाश्रम हो, मेट्रो हो, स्टेडियम हो, खेल का मैदान हो, शिक्षा के मामले में हो, चिकित्सा के मामले में हो, तमाम विकास की जो गंगा बहती थी उसके विकास को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। 10 साल से इस क्षेत्र में जो सांसद जी बने हुए हैं महेश शर्मा जी, कोई विकास कार्य उन्होंने कराए नहीं है। क्षेत्र की किसी गली मोहल्ले गाँव से उसका कोई लेना देना नहीं है, सेक्टरों से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपने हॉस्पिटल को अपने चला रहे हैं, अपने व्यापार को चला रहे हैं और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति का संरक्षण प्राप्त है उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार जो हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है महेंद्र नागर, वो बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है, धरातल के प्रत्याशी है, धरातल पर उन्होंने काम किया, उनकी अच्छी छवि है, ईमानदार है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं और किसानों के बीच में रहे हैं। इस क्षेत्र की नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने का उन्होंने काम किया, जनता उनसे बहुत खुश है, इस बार बदलाव चाहती है और देश में सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। चलिए ये बताइए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी जनपद में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, और इसका फ़ायदा कितना आप लोगों को मिलने वाला है, आपके प्रत्याशी कहाँ तक वोट बटोर पाएंगे? देखिए, जनपद में हमारी जो पार्टी को बढ़त मिल रही है और बड़े जोरों शोरों से लोग, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, हमारा मुकाबला महेश शर्मा जी से है ही नहीं, बीजेपी से है ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी है तो बसपा से। बीजेपी तो यहाँ टक्कर में ही नहीं है, क्योंकि लोग 10 साल से बिल्कुल एकदम लोगों की उम्मीदों पे खरे ही नहीं उतरे ये सांसद जी, तो बीजेपी तो बिल्कुल जीरो समझ लो, यहाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो सुबह अपने घर से निकल जाते हैं, पूरे जनपद में भ्रमण करते हैं, पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं, क्या विकास करें उनको जनता तक पहुँचाते हैं। अब देखने ये होगा कि 26 तारीख को इनको कितना जनता का सहयोग मिलता है, कितना वोट मिलता है और